खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बनिहाल के पास कार में धमाका हुआ। धमाका उस समय हुआ जब वहां से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काफिला गुजर रहा था। धमाके से सीआरपीएफ की बस को मामूली नुकसान पहुंचा है। पहले बताया जा रहा था कि कार में रखे गैस सिलेंडर से धमाका हुआ है, लेकिन बाद में सीआरपीएफ ने जो बयान जारी किया उसमें सिलेंडर ब्लास्ट की कोई बात नहीं है। लखनऊ के हजरतगंज में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत में वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा सिंधी समाज के लोकप्रिय नेता मुरलीधर आहूजा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस समारोह में साहित्यकार पंडित हरिओम शर्मा समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने भी शिरकत की। कानपुर देहात के रसूलाबाद में 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए परगना अधिकारी जेपी पांडे के नेतृत्व में नगर में एक रैली निकाली गई। लोगों को मतदान के बारे में जागरूक करने, निष्पक्ष मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेपी पांडे ने सभी लोगों से चुनाव में वोट करने की भी अपील की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजा रामपाल ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान राजा रामपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 20% गरीबों को न्यूनतम आय गारंटी देने की घोषणा के वादे का जमकर बखान किया। साथ ही कांग्रेस को गरीबों की पार्टी बताकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रत्याशी बनने के बाद बीजेपी इसी सीट से एक मजबूत उम्मीदवार को उतारने में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है बीजेपी इस संसदीय सीट से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बना सकती है, और इसी के चलते दो दिन पहले लखनऊ में निरहुआ की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई गई है। अमरोहा के एक गांव के प्रधान ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर प्रधान ने महिला पर धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही थाने में प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस घटना पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने प्रधान को हिरासत में ले लिया है। इताना गजरौला क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक पुरुष ने एक महिला पर दराती से हमला कर दिया है, जिसमें महिला घायल हो गई है गंभीर रूप से। फिलहाल महिला को अस्पताल भर्ती करवाया गया है और जो पुरुष है वो पुलिस की हिरासत में है। बताया जा रहा है कि महिला को अकेला देखकर पुरुष ने बदनीयति से उस पर हमला किया था, जिसका विरोध करने पर उसे दराती से घायल किया गया है। हमीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर उमेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। परिजनों ने प्रशासन पर जास्ती करने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक उमेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप है। मेरठ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा कुख्यात अपराधी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, जिसके बाद एसपी ने दारोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार फतेहगढ़ पुलिस कर्मियों की 60 गांठ से अपराधी भाग निकलने में कामयाब हुआ है। फर्रुखाबाद जनपद की पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर देशराज त्यागी, संतोष कुमार हेड कांस्टेबल, राजकुमार, सुनील कुमार और ओमवीर सिंह कांस्टेबल्स और भूपेंद्र गाड़ी का ड्राइवर, इनके अभिरक्षा में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ इसे भेजा गया था। लेकिन ये सब गाजियाबाद फिर के बाद अपराधी के सहित मेरठ गए और मेरठ से वो इनके अभिरक्षा से फरार हो गए। तो इसमें मेरठ में अभियोग भी पंजीकृत हुआ है, उसकी सूचना हमें प्राप्त हो गई है। अमेठी में पुलिस से न्याय मांगने गई बुजुर्ग महिला आहत होकर कोतवाली गेट के सामने बेहोश हो गई। महिला का कहना है कि उसका पड़ोसी जबरन उसके घर के सामने नल लगवा रहा था, जिसका विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी। मामले में पुलिस ने उल्टा पीड़ित महिला और उसके बेटे को ही थाने में बैठा लिया है। हमीरपुर में एक्शन एड और यूनिसेफ के सहयोग से संचालित नई पहल शिक्षा परियोजना के तहत जिला स्तरीय कन्वर्जेंसन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद तिवारी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की दशा और दिशा के बारे में बताते हुए कहा कि विद्यालयों के लिए काफी पैसा आ रहा है, जिससे उनकी तस्वीर बदल रही है। साथ ही जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनकी पढ़ाई को लेकर भी चर्चा की गई।